नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 इसका पहला प्रश्न हम करने जा रहे हैं। हमें तीन भुजाएं दी गई हैं और हमने देखना है कि क्या यह एक पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम देखेंगे कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं या नहीं है। तो देखिए, यदि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो हम इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, इसको हम मान लेंगे कर्ण और बाकी दोनों में से किसी एक को भी आधार और दूसरी को लंब हम मान लेंगे। तो हम लिखेंगे यदि यह एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एच स्क्वेयर बराबर होगा बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर के। अब हाइपोटेन्यूज हमने लिया है 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वेयर बराबर होगा, बेस लिया गया है 3, तो यानी 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर है 6, यानी 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वेयर। तो देखिए बच्चों, 8 का स्क्वेयर होता है 8 × 8 = 64, सेंटीमीटर का स्क्वेयर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर होता है 3 × 3 = 9, सेंटीमीटर का स्क्वेयर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर होता है 6 × 6 = 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आइए हम इन्हें प्लस करके देखते हैं। लेफ्ट साइड पर आपके पास है 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर बराबर, यहां है 9 + 36, 36 और 9 होता है 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो बच्चों, हमने देखा कि ये 64 सेंटीमीटर स्क्वेयर आया और राइट साइड पर आया 45 सेंटीमीटर स्क्वेयर, जो कि बराबर नहीं है। ये नहीं बराबर नहीं का निशान है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कि पाइथागोरस प्रमेय सत्यापित नहीं हुई और इसका क्या अर्थ हुआ कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो देखा बच्चों हमने कि हमने सिद्ध कर दिया कि यह दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज नहीं है। कैसे सिद्ध किया, हमने तीनों भुजाओं को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखा कि सत्यापित होती है या नहीं। अगर ये समकोण त्रिभुज होता तो पाइथागोरस प्रमेय अवश्य लगती, परंतु ऐसा नहीं हुआ, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि 64 45 के बराबर नहीं होता है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के हल देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।